नहीं पता, एक 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 सवाल, एक सवाल, एक सवाल सर, पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में, एक एक सवाल, पहाड़ी पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में, एसटी एसटी कब मिलेगा पहाड़ियों को? जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। काली भेड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। कब तक सामने? आज भी ये जो पटवारी घरधावर तहसीलदार, इनसे आम लोगों का मेल जोल होता है। किसी को नकल चाहिए अपनी जमीन की, तो उसको पटवारी को 1000 रुपया पैसा देना पड़े, क्यों? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, 48 डेज वो बच्चियां जो है प्रेस कॉलोनी में रही, जम्मू में भी रही, मेरी बात सुनिए सर, जम्मू में भी रहा। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 48 डेज वो अपने ही पोस्ट के लिए जो है सड़कों पे रही, मगर अभी तक उन्हें हक इंसाफ नहीं मिला। हालांकि उनका जो खर्चा हुआ वो आखिरकार कौन देगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जो पटवारी घरधावर तहसीलदार, ये ठीक करना पड़ेगा। कब ठीक होगा? जिस तरीके से कैजुअल लेबरर्स हमेशा प्रोटेस्ट का, आपने कहा लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई, आप कहते हैं कि उनका हम सोचेंगे और भाजपा सरकार उन्हें पक्का करेगी, उनके उनके बच्चे भी प्रोटेस्ट करने के प्रेस कॉलोनी में बैठे, अब आप क्या चाहते हैं कि जो मुर्दा है वो भी उठ के प्रोटेस्ट करे, तब आप उनको हक? जावेद साहब एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के चीफ रविंदर रैना जी, जिन्हें जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सबसे पहले सर, सर प्लीज सर, सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये दावे किए गए थे कि नौकरियां मिलेंगी और इसी के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, कैजुअल लेबरर्स का सोचा जाएगा, डेली वेजर्स का सोचा जाएगा, किस हद तक आपके वादे जो है वो सही निकले? लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार रियासत जम्मू कश्मीर में हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ तक बात है नौकरियों की, तो चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स के मामले थे या बाकी कुछ, यहाँ कहीं कुछ करप्शन हुआ है तो मजबूरी में हमको वो लिस्टें सरकार को कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि करप्शन जहाँ होती है, जहाँ लेन देन से नौकरियाँ अगर खरीद फरोख्त की जाए, तो आम गरीब मजदूर, आम जो गरीब लोग हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए हर एक शख्स के साथ इंसाफ हो, हर एक शख्स का भला हो, ये हमारी हमेशा कोशिश है। कोशिश ही रहेगी, वो कोशिश ही रहेगी, अभी तक हुआ नहीं किसी। हुआ ना, मैंने आपको बता रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल डिपार्टमेंट हो, बैंक्स हो या अन्य डिपार्टमेंट्स हो, एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू भी हुई है, लेकिन जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला करप्शन हो गया है, अगर आंखें बंद करके रखेंगे तो जो जिनका हक बनता है, अगर उनका हक कोई छीन के खरीद फरोख्त करके ले जाएगा तो वो भी गलत है। घोटाला किसकी सरकार में? पढ़े लिखे, देखो मेरी बात सुनो, पहली मर्तबा सीबीआई के हवाले केस किया गया है, और इसमें जो जो मुलव्वस होगा आपको जेल की सलाखों के पीछे जाता नजर आएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं, आप हमेशा कहते हैं कोई नहीं बचेगा, लास्ट टाइम भी आपने कहा कोई नहीं बचेगा, अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आज तक 70 साल में बहुत इल्जाम लगे, हालांकि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में, वहां भी घोटाला हुआ है, जिससे रिजल्ट निकले थे, जब जॉइनिंग हुई थी तो संडे के दिन जॉइनिंग कराई गई थी ताकि कोर्ट में ना चले जाएं दूसरे लड़के। है कौन है ये जनाब? सुनो ना, उस वक्त भी मैंने कहा सीबीआई की इंक्वायरी करो, अभी भी मैंने गवर्नर साहब को कहा ठीक है, जो बच्चे लगे, जो लगे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर कोई पढ़े लिखे तेज तरह नौजवान है, कोई पोजिशन होल्डर्स हैं, उनका हक कोई खरीद के दूसरे को दे दे, ये जुल्म की इंतहा है। आप कहते हैं सलाखों के पीछे होंगे, इसीलिए पहली मर्तबा हुआ है 70 सालों में कि किसी रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड की गई है। जिसका हक है उसको मिलेगा, जिसने भ्रष्टाचार किया है, सीबीआई लगातार आपने देखा एक ही दिन जम्मू में 36 जगहों पर छापे पड़े, कश्मीर में छापे पड़े, एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है। कितने ऐसे लोग हैं डिपार्टमेंटों में जो गरीबों से काम के लिए पैसे लेते हैं। मैं नहीं कहता कि सभी सरकारी मुलाजम चोर हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जो पटवारी घरधावर तहसीलदार, ये ठीक करना पड़ेगा। कब ठीक होगा? अब आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना, ये ठीक करना बहुत जरूरी है। वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, या जो पीएचई इरिगेशन है, और बिजली डिपार्टमेंट है, या रूरल डेवलपमेंट है,
वहां बड़े पैमाने पर करप्शन को चेक किया गया है, सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी दाएं बाएं से हाथ मार के कुछ अफसर जो हैं गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार इस पर छापेमारी कर रही है और तमाम ऐसे घोटालेबाजों को आपके सामने रोज अखबारों में आता है कि फलाना पैसे लेते पकड़ा गया, करप्शन। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है, आज क्यों नहीं आ रही है? देखिए, पुरानी आदतें हैं इनकी, ये इनकी आदतें हम ठीक करेंगे इन चोरों की जी। हम गरीबों का जो खून खाएगा, अब होंगे सलाखों के पीछे, गरीबों का जो खून चूसने की कोशिश करेगा या गरीबों का हक जो मारने की कोशिश करेगा वो नहीं बचेगा। ये मोदी साहब की सरकार है, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए लगातार यहाँ छापेमारी भी हो रही है और करप्शन पहले के मुकाबले कम हुआ है, बहुत हद तक कम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, फिर भी काली भेड़ें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हैं। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। कब तक सामने? आज भी ये जो पटवारी, घरदावर, तहसीलदार, इनसे आम लोगों का मेल जोल होता है। किसी को नकल चाहिए अपनी जमीन की तो उसको पटवारी को 1000 रुपया पैसा देना पड़े, क्यों? ये सिस्टम हम खत्म करेंगे, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, करप्शन फ्री। किस हद तक रविंद्र रैना जी लड़ेंगे? मैं कहता हूं छोड़ूंगा ही नहीं, नहीं छोड़ेंगे। करप्शन को अंजाम क्या होगा उनका? देखो, जो करप्शन करने वाला वो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। मुल्क का सबसे नंबर वन दुश्मन वो है जो करप्शन करता है, जो गरीबों से पैसा खाता है। ये सिस्टम हमने काफी हद तक बंद किया है और भी बंद करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं सर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, 48 डेज वो बच्चियां जो है प्रेस कॉलिंग में रही, जम्मू में भी रही। मेरी बात सुनिए सर, जम्मू में भी रहा, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 48 डेज वो अपने ही पोस्ट के लिए जो है सड़कों पर रही, मगर अभी तक उन्हें हक इंसाफ नहीं मिला। हालांकि उनका जो खर्चा हुआ वो आखिरकार कौन देगा? देखिए, हमें इस बात की तकलीफ है, दुख है, ना केवल फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट बल्कि जो सब इंस्पेक्टर्स में भी भर्ती हुई थी, लेकिन इंक्वायरी आई है कि उसमें पेपर पहले लीक कर दिया गया कुछ लोगों ने। जल्द ही फैसला सुना था, 48 दिन क्यों बिठाया उन्हें सड़कों पर? इंक्वायरी का, देखो ऐसा नहीं होता है, इंक्वायरी होती है, अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, दस्तावेज आए, पूरी चेकिंग हुई। जब होम सेक्रेटरी मुतमिन हो गए कि इसमें पेपर लीक हुआ है, फिर उन्होंने वो फैसला लिया। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर का हुआ, वो लगातार CBI छापेमारी कर रही है। गवर्नर साहब ने कहा है ये अक्टूबर महीने में ये दोबारा से इनकी रिक्रूटमेंट होगी, फेयर होगी। देखियो, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या गरीब का हक मारा जाना चाहिए? नहीं मारा जाना चाहिए। क्या अगर कोई बच्चा डिजर्व है, शाइनिंग स्टार है, उस बच्चे को नीचे करके कोई उसकी जगह कोई नौकरी दूसरा खरीद? सारे बच्चे इम्तहानात ही दे सकते हैं, वो काली बेड़े जो छुपी हैं आप उन्हें पहले क्यों नहीं निकाल देते, तराशते क्यों नहीं? जब ये मामला हुआ तो उसके बाद ये जेरे गौर आया ना, उसके बाद कार्रवाई हुई। अच्छा, ये सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से कैजुअल लेबरर्स हमेशा प्रोटेस्ट का, आपने कहा लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई आप कहते कि उनका हम सोचेंगे और भाजपा सरकार उन्हें पक्का करेगी, उनके उनके बच्चे भी प्रोटेस्ट करने की प्रेस कॉलोनी में बैठे, अब आप क्या चाहते हैं कि जो मुर्दा है वो भी उठ के प्रोटेस्ट करे तब आप उनको हक? जावेद साहब, एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की, इन लोगों की जब हुकूमतें थी, इन्होंने 500 रुपया और 1000 रुपए के ऊपर डेली वेजेस लगाए थे और उनका कोई SRO नहीं था, जो आता था उस वक्त के मिनिस्टर MLA साइन करते थे जी। उसको डिपार्टमेंट में एक्जिन के पास भेज देते थे, एक्जिन उसको एक कंटिजेंसी फंड होता है, कोई सैलरी हेड नहीं होता है, जो उसके पास जितने पैसे बचे ना सेविंग टेंडर किया, जो सेविंग बच गई वो महीने की उनको बांटता था, कितना? 500 और 1000। 500 रुपया और 1000 रुपया भी कोई महीने की सैलरी होती है, ये कोई तनख्वाह हो? अप्रिशिएट करते हैं भाजपा सरकार को, अप्रिशिएट करते हैं। हम आए, हमने पहला काम किया, मैंने असेंबली में शोर उठाया, असेंबली में मैंने बिल लाई कि इनको ऑनलाइन करो, वो ऑनलाइन हुए, बिल्कुल उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, इसको अप्रिशिएट करते हैं। और आज 9000 रुपया उनका मंथली सैलरी है, लागू होना चाहिए ना, कहां 500 तो कहां 1000 तो कहां 9000 तक पहुंचाया, और साथ में उनको ऑनलाइन किया और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की। ये जो ऑनलाइन करके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की है, ये एक प्रकार से उनको मान लिया सरकार ने कि ये अब सरकारी मुलाजम है। अब अच्छी खुशखबरी, खुशखबरी कब? उसके पहले वो सरकारी मुलाजम नहीं थे, बिल्कुल कंटेजेंसी फंड से उनको 1000 रुपया 500 दिया जाता था। आज अगर
सपोज करो किसी की भी सरकार बनती है, कभी भी इनको डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकाल सकती, ये कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कहेगी आपने इसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हो, ये ऑनलाइन है, है तो ये आपका मुलाजिम है। कोर्ट के पास, इनके पास एक डॉक्यूमेंट चला गया, वो बीजेपी ने दिया, वो हमने लड़ाई की, मैंने लड़ाई लड़ी, ये भी वादा कर लीजिए कैजुअल लेबर से। रही बात मिनिमम वेजेस एक्ट की, मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की है और अमित शाह साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में बहुत सारे इश्यूज लाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर एलजी साहब जो है वो फैसला लेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी नहीं, पहले एक सवाल सर, पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में एक सवाल पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में, एसटी कब मिलेगा पहाड़ियों को? जल्दी मिलेगा जी, जल्दी मिलेगा